केस दिल्ली का है, दिल्ली पुलिस को करना था। बाहर से जो भी लोग दिल्ली में आते उन सबको माल के साथ पकड़ा जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एविडेंस है उसके साथ उसको पकड़ा जाता है। अब वो किसी भी प्रदेश के हो सकते हैं। अब हमारी टीम जब जाएगी इंट्रोगेट करेगी उसको तब पूरी बात पता चलेगी। सर तो यूपी में गिरफ्तारी में वो उन्होंने यूपी एटीएस के साथ मिलकर काम किया था, वहां महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यूपी एटीएस के साथ मिलकर काम किया था कि नहीं किया, लेकिन यहां तक महाराष्ट्र में किसी को इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है कुछ बरामद नहीं। जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रिडार पर रहते हैं। लेकिन सर कुछ तो सर 20 साल पहले का आप बता रहे हैं तो उसमें क्या कुछ उसका कोई क्राइम का बैकग्राउंड बीते 20 साल में नहीं आया? जो पायधुनी का केस बता रहे हैं बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था। एक वो एमसी के केसेस हैं उनका संबंध इससे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है। He was on our radar means there are so many people on our radar. सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इस पर फायरिंग? We will give you the details. सर PFI का लिंक है इसमें, अभी तक आपको जानकारी मिली है? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको। सर एक जो चीज आप कह रहे हैं कि डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी या इस तरीके उसके मामले रहे, तो डी गैंग से उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने और आपको कैसे पता है डी गैंग से लिंक है? जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं। इन्फॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है, उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है, उनके 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो हम करेंगे, हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। सर दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई में है, उनसे क्या एटीएस चीफ यानी आपकी मुलाकात हुई है क्या इस पूरे मामले को? वो मुंबई में थे लेकिन वो किसी दूसरे सिलसिले में मुंबई में थे, उनका उनकी विजिट का इस केस से कुछ भी संबंध नहीं। सर तो ये जॉन मोहम्मद यहाँ डोंगरी में क्या दाऊद इब्राहिम खास करके किसी रिश्तेदारों से मिला, इसकी कोई जानकारी? क्या दाऊद के किसी और लिंक से वो कनेक्टेड था, इसकी कोई जानकारी पिछले कुछ सालों में हमारे एटीएस को या क्राइम ब्रांच को या किसी एजेंसी को मिली जिसकी जानकारी आपके पास है? हमारे पास इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और दिल्ली पुलिस के पास जो भी जानकारी है वो हम देंगे उनसे और मिलकर काम करेंगे। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या हमारे पास है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। सर अनीस इब्राहिम के अब आप जो जान और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निजामुद्दीन के लिए रवाना हो गया है मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुँची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है, इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। So let me tell you, the city is safe, even the state is safe. ऐसा कुछ भी नहीं है, don't try to say कि कुछ होने वाला है या होने वाला था। हमको नहीं पता क्या था, कोई भी explosive, कोई भी weapon महाराष्ट्र में नहीं आया, कोई उनका operative महाराष्ट्र में नहीं आया। It was all at Delhi. Delhi से उनकी press conference के हिसाब से these people were supposed to go there and get things. लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया। गणेश उत्सव में कुछ ऐसा करने की कोशिश थी क्या सर? क्योंकि त्योहारों को जो है निशाना बनाने की एक प्लानिंग थी, इस तरह की बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है। नहीं ये बात तो दिल्ली पुलिस ही बता पाई थी, लेकिन आप लोग ने अभी तक जो किया उसमें कुछ पता चलता है? दिल्ली पुलिस के संपर्क में जब आपने बातचीत की है दो तीन बार आपने जैसा प्रश्न विचारता मला आश्चर्य इथे काय झाला, इथे एक सध्या एक साधा वेपन सुद्धा सापडला नाही, एक काहीतरी जिलेटिन स्टिक सुद्धा सापडली नाही, काय विस्फोटक सापडला नाही। माणसा जो पकडण्यात आला तो माणसा कोटामध्ये पकडण्यात आला, तुम्ही कसा प्रश्न विचारतात मला? माणूस तर इथून गेला होता। आता मुंबईमध्ये 2 कोटी लोक आहेत, ते कुठे जाऊ शकतात ना? ते कुठे पकडला, त्याच्या नंतर काय झालं हे महत्वाचं आहे। दूसरा रोल क्या था
क्या किरदार था? I cannot give you all the details. No sir, what was the case? You are saying 20-year-old case. What was the case? वो जो केस था, वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है, और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस. सर इस केस में केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया. सर केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया. ATS मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से ही हो रहा था. तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था. सर जिस तरह का एक आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया दिल्ली मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस पे राजनीतिक आरोप भी लगे. सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है. ये हैज़ अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निज़ामुद्दीन. जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ ATS? आई डोंट अंडरस्टैंड. सर एज यू सेड, एक मिनट. बात हो रही है, श्री नीरज ठाकुर स्पेशल CP हैं, जिनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आ जाएगी. तो मुंबई में कुछ रेकी की गई थी, मुंबई में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. सक्षम आहे सध्या या शाळेला ATS जे ज्या पद्धतीने काम व्हायला पाहिजे, जे आव्हान आहेत अशा प्रकारची आव्हान आहेत, या सगळ्या पार्श्वभूमी तुम्ही राज्य सरकारकडून काय अपेक्षा करता आणि डीजीन कडून काय अपेक्षा करता, कशा पद्धतीचं ATS असायला हवं असं तुमचं स्वप्न आहे? मी आधी सांगितलेलं आहे, आय हॅव बीन गिव्हन अ फ्री हँड बाय द ऑनरेबल CM, बाय द ऑनरेबल HM अँड द DG ऑफिस. त्यामध्ये त्याचा काही संबंध नाही. आपल्याला जे करायचे आपण सक्षम आहेत आहोत आणि आपण तसं करणार, परंतु आपण नेमकी काय करतो हे आपल्या समोर मी सांगू शकत. सर एक सवाल, दाऊद इब्राहिम के कंप्लेंट इन अ टेररिस्ट केस, वन ऑफ द अक्यूज्ड इज फ्रॉम महाराष्ट्र, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ धारावी मुंबई. ही बोर्डेड द ट्रेन ऑन 13th, ही वॉज अप्रिहेंडेड बाय दिल्ली पुलिस वेन द ट्रेन रीच्ड कोटा. Now he, this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he was on our radar like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening and he boarded the train. When he boarded this golden, ki aapko jankari udhar se li, you had no information about this thing. He was on your radar. Whether this guy had any other mentor, any protege in Mumbai or in Maharashtra, for example, if he brought something here, where would he keep it? Number one, it's been 24 hours. Kisi vinanti hai, samjhun gaya, he case maja nahi, he case दिल्ली पोलिसच्या आहे, आणि FIR ची कॉपी सुद्धा माझ्याकडे नाही. मी या प्रश्नाचं काही उत्तर देऊ शकत. सर जान मोहम्मद 20 साल से के दाऊद इब्राहिम के किसी भी बंदे से कांटेक्ट में था या पाकिस्तान बात करता था या ऐसा कुछ ATS को जानता नहीं है? सर तुम्ही नवेद ही वाज ऊपर. सर तुम्ही काही फोन इंटरसेप्ट या दरम्यान केले असतील, कारण का तुमच्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे जी बॉर्डर वर किंवा पाकिस्तान मधून बोलणं चालणं सुरू आहे, असं काही तुमच्या दरम्यान निदर्शन चालू होतं ते? You seriously want me to answer this question in front of so many cameras? Sir, sir, conference में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने उसमें से एक आदमी भारत में मुंबई का रहने वाला है, तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख. जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था. मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का. लगभग 20
20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन, ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि फिर उसने एक टैक्सी ली लोन पर, उसकी किश्त नहीं भर पाया तो वो टैक्सी ले गए बैंक वाले। उसके बाद उसने फिर लोन लेके एक कोई और टू व्हीलर खरीदा, तो ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए शायद इसको कॉन्टैक्ट किया गया। पर मुझे नहीं पता स्टोरी क्या है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ दिल्ली पुलिस। हमने पास, जैसे मैंने बताया, हमारे पास FIR की कॉपी भी नहीं है, हमें पता भी नहीं उसको उसका कितना रोल है। जब टीम हमारी जाएगी तब हमें कल पता चलेगा। ऐसा कोई बात नहीं, बात नहीं है। और जो भी उसका गवर्नमेंट सेटअप है या एक्टिव सेटअप है, वो सब हमको पता भी रहता है। मेनी टाइम्स वी हैव टू कीप क्वाइट ऑल्सो, वी हैव टू लेट थिंग्स बेक, वी कांट डू अनबेक थिंग्स। तो जब होगा वी विल लेट यू नो। कदम दिल्ली पुलिस ने असं सांगितलेलं आहे की त्यांनी 6 आरोपीला अटक केलेला आहे आणि त्या 6 एक माणूस जान मोहम्मद हे धारावी चालणारा किस्सा नसून त्याबद्दल ATS ची त्याच्यावर काहीशी नजर होती आणि आतासुद्धा आहे। आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 आधीचे संबंध होते। सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये। 9 त्याने असा 13 जायचे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तिकीट द्या। तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला, तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची मिटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बट नंबर 2 त्याचे होता। आणि तिथे जेव्हा ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तेव्हा त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केला आणि त्याने का अटक केला, त्याचे हातात त्याचे जवळ काय हतियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे। आणि आपली ATS ची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे।